अर्णव गुरुकुल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की मतलब वैसे बच्चों को को प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है जिनको कि पहले या तो इंटरेस्ट होता है या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती या जो करना चाहते हैं उन्हें उस तरह की स्पेस नहीं मिल पाता, वो मंच नहीं मिल पाता, वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे 1 ईयर्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ सकते हैं आगे कम का कुछ कर सकते हैं लेकिन अंडरप्रिविलेज्ड होने की वजह से मतलब कि पैसे नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कॉलेजेस का बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसमें चार साल जितना टाइम भी नहीं लिया जाता है और 1 साल में रेसिडेंशियल कोर्स कराया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ मतलब एक अच्छा इंसान बनने का अवसर भी नवगुरुकुल हमको देता है। 1 साल में हम मतलब बहुत कुछ सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ, जो चीज़ें हमको जॉब में बहुत काम आने वाली है वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है 1 साल में। तो नवगुरुकुल मतलब एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। अगर आज के वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग आप सभी ने कभी ना कभी फेसबुक चलाया होगा या व्हाट्सएप चलाया होगा या कुछ भी इंटरनेट में करा होगा। तो आप जैसे ही कुछ बटन क्लिक करते हो या दबाते हो तो कुछ होता है, मान लो एक पेज खुल गया, जैसे आपने व्हाट्सएप में कुछ मैसेज टाइप किया अपने दोस्त को और आपने वो सेंड का बटन दबाया तो वो सेंड कैसे हुआ, तो ये सब ये प्रोग्रामिंग के जरिए होता है। तो जो भाषा है हमारे बीच में और उस मशीन के बीच में उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। पहले तो प्रोग्रामिंग एक बहुत ही टफ चीज़ लगती थी मुझे, क्योंकि नाम से पता था कि बहुत बड़ी चीज़ है कुछ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया स्टार्टिंग में धीरे धीरे मैंने पढ़ाई शुरू की तो पहले तो समझ में नहीं आया था, लेकिन जो मेरे साथ वाले बच्चे थे उन्होंने मेरी हेल्प की और अब तो लगता है कि प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी सी चीज़ है। हम लोगों ने इसको एक टेबल जैसा बना दिया कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम में करने की चाहते हो तो तुम कर सकते हो बहुत आसानी से। जब हम नवगुरुकुल में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें आते से ही कोई मोटी मोटी किताबें बताई जाती है, करिकुलम ये दिखाया जाता है कि तुम्हें ये किताब पढ़नी है, पहले ये किताब पढ़नी है, उसके बाद तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं, बल्कि इसके बजाय हम सबसे पहले ये होता है कि हमें नवगुरुकुल में लैपटॉप दिया जाता है और जिस चीज़ के बारे में छोटा सा नॉलेज देकर, जैसे कि हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो उसके बारे में बताया जाता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे रिलेटेड है और हमें इसको इस लेवल तक सीखना है और पहले ही दिन से हम उस पर प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बेसिकली बच्चे खुद पढ़ाई करते हैं और सेल्फ लर्निंग ये पीयर लर्निंग करते हैं और अगर उसे प्रॉब्लम होती है तो जो हमारे से जो सीनियर बैचेस है या जो एलुमिनाई है जो कि यहाँ पहले मतलब जॉब ले चुके हैं और उनसे हेल्प लेते हैं, उससे भी नहीं होते तो जैसे भैया है अभिषेक भैया और ऋषभ भैया उन लोगों से भी स्टूडेंट हेल्प लेते हैं, यहाँ टीचर पर डिपेंड नहीं होते बच्चे। इन 1 साल में मतलब हम एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ते हैं, मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हमने ऐसा बना रखा है कि जैसे अगर हम कुछ बच्चे हैं यहाँ पर पुराने, उनमें से कुछ पुराने चले जाते हैं कुछ नए आते हैं तो जो पुराने बच्चे हैं वो नए बच्चों की मदद करते हैं या उससे सबसे पहले हम खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नव गुरुकुल में पढ़ाई का सिस्टम कुछ इस प्रकार है, नव गुरुकुल में आपको आने के बाद में आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा, फिर आपकी एक नव गुरुकुल की ईमेल आईडी बनाई जाएगी और हमारा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है सरल, जहाँ से आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप उनमें इनरोल करके कोर्सेज पढ़ सकते हैं और हमारे जो साथ में जो बच्चे आए हुए वो उनके साथ मिलकर पढ़ते हैं। और अगर हम स्टडी टाइम की बात करें तो हमारे प्रॉपर शेड्यूल है, सुबह हम 7 बजे उठते हैं और फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और 9 to 1 स्टडी होती है प्रोग्रामिंग जो कि हम करते हैं यहाँ पे सीख रहे हैं, उसके बाद 3 से 5 फिर से स्टडी होती है, फिर 6 से 8 बजे तक हम लोग इंग्लिश एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद 9 से 10 स्टडी होती है, उसके बाद हमारी मर्ज़ी होती है हमें पढ़ना है या सोना है।
जो हमारा शेड्यूल है वो हम सभी खुद मिलके बनाते हैं और हम सभी उसमें अपना सहयोग देते हैं, तो ये सबके लिए फ्लेक्सिबल होता है कि हर कोई इसे आराम से मतलब फॉलो कर पाए। दिन का सबसे ज़्यादा समय हम अपनी जो प्रोग्रामिंग है हम उसको देते हैं और बाकी जो सेशन है वो उसमें थोड़ा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, आपकी अपनी स्किल्स होगी उसको डेवलप करने में हम कुछ भी एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें हमारे अंदर हम कुछ लर्निंग्स हो, मतलब या तो हम उससे कुछ सीख रहे हों या अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हों। तो दिन भर का हमारा जो शेड्यूल होता है वो इन सब का मिक्सचर होता है। हम यहाँ पर कोडिंग सीखते हैं और कोडिंग सीखने के बाद में साथ साथ हम ये इंग्लिश पे हम काम करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। और उसके बाद जो पुराने बच्चे हैं या जिन्होंने कोर्स ख़त्म कर लिया है यहाँ से, वो हमारा एक छोटा सा एक इंटरव्यू लेते हैं। तो ये हमें मतलब जो हमारा जो रियल इंटरव्यू होने वाला आगे आके उसके लिए प्रिपेयर करता है। हम जॉब के लिए जो जो चाहिए मतलब प्रोग्रामिंग वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमको कुछ स्किल्स ही होती है जैसे कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका कैसा है उस पर थोड़ा काम करते हैं हम अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद, और कि चीज़ों का आंसर कैसे करना है, मतलब इन सब क्वालिटीज़ में या इन सब स्किल्स में वर्क करते हैं ताकि हम जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकें खुद को। मैं एक साल यहाँ पे गुरुकुल का कोर्स कर चुकी हूँ और अब मेरी जॉब एक माइंडट्री नाम की बड़ी कंपनी में लग चुकी है। यहाँ रहकर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखा, फिर कैसे अपनी बात को सामने बड़े लोगों के सामने रख सकूँ ये सीखा मैंने, फिर ईमेल कैसे लिखते हैं, फिर प्रोफेशनली बात कैसे करते हैं बड़े लोगों के सामने, हमारे बॉस है, हमारे मैनेजर है, उनसे कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे आकर सीखें। फिर कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे बाहर कैसे निकले, वो सारी चीज़ हम यहाँ रहकर एक साल बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए सीखें। हमारे यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आए हैं तो सबकी इंग्लिश एक जैसी नहीं है और इवन की कोई किसी को इंग्लिश बिल्कुल आती भी नहीं है। फिर हम इंग्लिश एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए मूवी वगैरह देखते हैं इंग्लिश के लिए और शॉर्ट इंग्लिश वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं। फिर हमारे यहाँ ग्लेविल क्लब होती है जिसमें कि इंग्लिश में कोई टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे हमें बातें करनी पड़ती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करनी पड़ती है। फिर डिबेट भी हम करते हैं, डिबेट का कोई टॉपिक दिया जाता है फिर हम सारे बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, फिर हम वो डिबेट करते हैं। पर 2 घंटे की इंग्लिश की क्लास होती है और हम यहाँ पर कल्चर ऐसा है कि सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उससे हमारी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इंग्लिश में बात करने का। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम ढेर सारी चीज़ें करते हैं नव गुरुकुल में, जैसे मान लो हम कि एक मेरा स्पोर्ट्स हो गया गेम्स, हम आपस में वॉलीबॉल खेलते हैं या क्रिकेट हो गया या कोई भी गेम्स, तो और बाकी जो सेशंस होते हैं दूसरे हैं उसमें हम कभी मूवीज़ देख लेते हैं किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जो कुछ हमको कुछ नॉलेज दे रही हो, ज्ञान दे रही हो कि हाँ कि देश में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उस मुद्दे के ऊपर हम मूवीज़ देखते हैं तो ताकि हमको भी समझ आए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ बैठ के आपस में बैठ के हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, कोई ऐसा मुद्दा जो कोई आपस में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता हम उन मुद्दों पर भी बात करते हैं आपस में। तो जैसे कि यहाँ पे हम अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे तो हर किसी की मतलब की क्वालिटी लीडरशिप हर किसी में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए जैसे कि हमारे यहाँ काउंसिल है तो काउंसिल में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और काउंसिल में जो बच्चे काम करते हैं तो उसे एक अलग सी लर्निंग मिलती है जिससे कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी दिखती है। जैसे कि फूड एंड हाइजीन कोऑर्डिनेटर है तो उसे सारे फूड से रिलेटेड सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, तो लेकिन वो क्योंकि वो घर में नहीं किए होते हैं यहाँ आने के बाद वो चीज़ नई नई चीज़ों को करते हैं और वो सीखते हैं जिसके दौरान उसमें क्वालिटी आती है लीडरशिप की क्वालिटी।
चार साल का कोर्स जो है हमारा प्रोग्रामिंग का, वो हम एक साल में इसलिए हम पूरा कर पाते हैं क्योंकि जो कॉलेज होता है उसमें हम तीन साल लेते हैं अपने या चार साल लेते हैं, तो उसमें बेसिकली मुश्किल से हम छः महीने भी मुश्किल से हम प्रैक्टिकल चीज़ें करते होंगे, बाकी सारी थ्योरी या कभी हमने स्कूल मिस कर दिया, कॉलेज मिस कर दिया या कुछ कभी कुछ और। लेकिन जो एक साल का कोर्स हमारा यहाँ पर है नव गुरुकुल में, हम सिर्फ प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि आखिरी में हमको हमसे कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछेगा क्योंकि हमको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। तो एक साल में हमारा हम सबका जो मोटिव होता है वो सिर्फ प्रैक्टिकल करने में होता है, और इससे हमको भी ये पता लग जाता कि अगर हम किसी कंपनी में जाएंगे या हमको कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा किसी कंपनी से तो हम उसको कैसे करें, तो इसलिए हम अपना चार साल का कोर्स एक साल में हम पूरा कर लेते हैं। आपको नवगुरुकुल ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप मैथ के स्टूडेंट होने चाहिए या फिर साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास अगर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने चाहिए, ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप सीख सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10th के बाद या 12th के बाद कर सकते हैं, आप जब सीखना चाहते हैं तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बस बेसिक मैथ इम्पॉर्टेंट है, अलजेब्रा के सिंपल क्वेश्चन, जो बेसिक मैथ होती है कि हम कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, क्योंकि 10th की मैथ जितना ही यहाँ पे यूज होता है। नव गुरुकुल में कोई कंपटीशन या कोई रेस नहीं होती है कि कोई आगे या कोई पीछे है, हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सब एक साथ मिलके सब कुछ सीखते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत पीछे हैं तो आपके साथ वाले बच्चे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप उनके साथ में आ सकें, और आपकी जनरली हेल्प होती है। कोई स्टूडेंट अगर पीछे रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेलियर है और आपको कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हम उसे मोटिवेट करते हैं आगे करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और उसे टाइम भी देते हैं। जिस तरह की कोई स्लो होता है और अगर वो एक साल में भी कोर्स नहीं कम्प्लीट कर पाता है तो भी हम उसे आगे मोटिवेट करके उसे आगे करने के लिए टाइम देते हैं। बस हमें एक चीज़ मैटर करती है इसके लिए कि वो हम उसके एफर्ट्स को देखते हैं कि उस एक साल में उसने कितने एफर्ट डाले हैं और अब वो कितने एफर्ट डालने के लिए रेडी है। मैं बिल्कुल में एक साल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिससे हमें इतना नॉलेज हो जाता है कि हमारी जॉब आसानी से लग सकती है, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं करीब 6-7 घंटे डेली, और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद, तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकती हमारी जॉब ना लगे। तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि डिग्री लेने वाले बच्चों को भी जॉब मुश्किल से मिल पाती है, तो हम नवगुरुकुल के 10th पास आउट, 12th पास आउट या उन बच्चों जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस था ही नहीं, जो साइंस बैकग्राउंड से, जो कॉमर्स से, जो आर्ट्स है, वो बच्चे यहाँ आकर जॉब कैसे लेके चले जाते हैं, ये ख्याल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगी कि कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, वो थ्योरी हमें पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आकर सिर्फ प्रैक्टिकल्स करते हैं और थोड़ी थ्योरी करते हैं, जो हमारे जॉब में जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जॉब में जो हमें जॉब देने वाले हैं उनको वो सिर्फ एक चीज़ जांच करते हैं हमारे इंटरव्यू लेते वक्त कि काम देने पर ये कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमें काम करना सिखाया जाता है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं, मतलब चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी काम दिया गया हो, कॉलेज के बच्चे और हम नवगुरुकुल के बच्चे दोनों ही बराबर तरीके से काम किया। वो जो डर था मेरे अंदर कि हम कैसे उन बच्चों को कम्पीट कर पाएंगे जो इतने साल एक्सपीरियंस करके हैं, वो मेरा डर बिल्कुल चला गया उनके साथ काम करते करते। मुझे ऐसा लगा जहाँ हम हैं वो भी अभी वहीं हैं, तो अब साथ में आगे बढ़ना है, तो जो डर था वो ख़त्म हो गया। तो आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कॉलेज से BCA, BA, BCom, BTech जैसी डिग्री कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो बेसिकली आज की डेट में दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि लाखों लोग डिग्री कर भी लेते हैं, एक कॉलेज चले भी जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, बहुत बार जो कॉलेजेस हैं वो ऐसे स्किल सिखाते नहीं हैं, और नवगुरुकुल में हमारा ये काम है कि हम ऐसे आपको ऐसे स्किल सिखाते हैं जिनका यूज़ करके आपको एक अच्छी जॉब मिल सके और उससे आप अच्छे पैसे कमा सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। अब नवगुरुकुल में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऐसी
टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो अच्छा आईटी में काम कर रही हैं, जो नवगुरुकुल को डोनेशन देती हैं जिस पैसे से टेक्निकली आप लोग पढ़ेंगे। जैसे एक्सेंचर है, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो नवगुरुकुल को डोनेशन देती है, जो आईटी में वन ऑफ द टॉप कंपनीज में है इंडिया की। फिर ऑलरेडी और बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, जैसे माइंडट्री है जो नवगुरुकुल से बच्चे हायर भी करती है, और वो ऑलरेडी वहाँ माइंडट्री इसी कंपनी में, जो नॉर्मली सिर्फ बाहर से वो लोग लेती है जो एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करके आते हैं, उन्होंने नवगुरुकुल से ऐसे बच्चे लिए हैं जो 12वीं पास है। क्योंकि आजकल ये दौर बदल रहा है कि जहाँ हम ये देखते हैं कि आपके पास क्या अच्छे वो स्किल्स हैं जो चाहिए एक अच्छी नौकरी करने के लिए, ना कि ये कि आपके पास वो एक कागज़ है जो बताए कि हाँ आप एक, आपके पास एक बैचलर्स का डिग्री है, आप एक ग्रेजुएट हैं। उस कागज़ के साथ साथ वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नवगुरुकुल आपको वो स्किल्स देता है बेसिकली। 12 करने के बाद मैं भी एक कॉलेज में अपना नाम लिखवाई थी, और उस कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करते करते मुझे 3 से 4 साल लग जाता ग्रेजुएशन करना था। फिर मुझे वो 3 साल में पढ़ाई करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि मुझे जॉब लग जाएगी। मैं भी, और इतने, जैसे भारत में इतने सारे लोग डिग्री लेकर जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, मैं भी वहीं कहीं भीड़ में भटक रही होती। लेकिन मैं यहाँ अपने कॉलेज की पढ़ाई में, फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई को छोड़कर, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मैं इसलिए आई यहाँ नवगुरुकुल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ डिग्री लेकर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरे पास काम करने का हुनर हो तो कहीं ना कहीं, कहीं अच्छी जगह, कहीं ना कहीं तो मुझे जॉब लग ही जाएगी। क्योंकि अगर सिर्फ डिग्री लेकर मैं जाऊँ जॉब लेने, और डिग्री कॉलेज में ऐसी डिग्री दी जाती है कि जहाँ पे सिर्फ हमारे बुक में जो लिखा है बस वो अगर हम आंसर शीट में लिख दें तो हम पास हैं, हम बहुत अच्छा नंबर ले आएँ, लेकिन उससे जॉब इन्वायरमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उतने अच्छे से काम करना नहीं सीख पाते, क्योंकि हम तो ये सीखते हैं कि कैसे याद करना है चीज़ों को और कैसे कॉपी में आंसर लिखना है। पर जब हम जॉब करने जाते हैं, जब हम रियल इन्वायरमेंट में, जब हम असल में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, वहाँ पे हमें काम दिया जाता है। अगर हम काम कर पाए तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज छोड़कर नवगुरुकुल मेरे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं लगता कि हम घर से दूर हैं, घर वाली फीलिंग आती है। और हम बहुत मस्ती करते हैं, हम बाहर खेलते हैं, कभी भी डांस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। बहुत से बदलाव आए हैं मेरे अंदर, जैसे एक पहले मैं चीज़ों को शेयर नहीं करवाता था, बोलता था यार कहीं सामने वाला मजाक तो नहीं उड़ाएगा अगर मैं कुछ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आके मैंने वो शेयरिंग सीखी है कि अगर कुछ अंदर है तो उसको छुपाना नहीं है, किसी से शेयर कर लो तो हल्का हो जाता है। दूसरी चीज़, एक मेरे अंदर थोड़ी पहले से ज़्यादा, पहले भी थी लेकिन पहले से ज़्यादा एक प्यार वाली भावना आई है औरों को लेकर, आपस में एक दूसरे को लेकर। अगर हम एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एक क्वालिटी होती है एक अच्छे इंसान की, वो सब मेरे अंदर आई है। तो यहाँ पर आने के बाद काउंसिल पोस्ट को होल्ड करने के करके और अलग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके और मंथन अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद, मतलब जाने के बाद, लोगों से इंटर करने के बाद, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी ही बड़ी है, और मेरे स्टेज फियर और ये सब जो मतलब छोटे छोटे फियर्स होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, कि उन सबसे मैं फ्री फील करता हूँ। जब मैं शुरुआत में तक में आया था ना, तब अच्छा तो नहीं लग रहा था कि स्टार्टिंग में बहुत गलती याद आ रही थी, घर जाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मैं थोड़ा समझा कि चलो थोड़ा रुक के देखते हैं कि यहाँ पर कैसा रखता है, एक्चुअली है नवगुरुकुल। तो फिर जब मैं 1 हफ्ते रुका तो फिर मेरा मन ऑटोमेटिक यहाँ पे लगने लगा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, एकदम सब फैमिली कर रहे थे, सब एक दूसरे की केयर करते, तो अब तो एकदम फैमिली जैसी फीलिंग आती है। और अब मुझे बहुत काफ़ी खुशी है कि मैं अब अपने पैर पे खड़ी हो चुकी हूँ, अपने सोसाइटी में एक स्टैंड ले ली हूँ, अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से बुलाया जाता है ऑफिस में। मैं अपने पापा के पापा को गर्व महसूस होता है मेरे वजह से, जिससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि मैं अपने पापा का नाम रोशन कर पाई। अब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मुझे जैसे इतना कुछ मिला नवगुरुकुल में आकर, मेरे जैसे और भी बच्चों को ये सुनहरा मौका मिले कि वो भी आएँ, कुछ सीखें और अच्छी जगह काम करें।